प्रियंका के लाख कोशिशों के बाद भी मंडली में नहीं पड़ी दरार, तो प्रियंका ने कहा मंडली तो कुंडली मार कर बैठी है, तो प्रियंका भी हो गई है इस मंडली से परेशान। आइए जानते हैं प्रियंका के क्या है रिएक्शंस मंडली को लेकर। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइस आपने देखा ना, इनफैक्ट मंडली के जो लोग हैं वो स्ट्रांग के स्ट्रांग डटे रहे हैं, टिके रहे हैं। इस बार भी नॉमिनेटेड कॉन्टेस्टेंट्स में से मंडली के वनली वालों के ज्यादा नाम थे, चाहे वो स्टैन हो, सुम्बुल हो, निमृत हो, ये तीनों के तीनों मंडली वाले थे। लेकिन एविक्ट कौन हुआ? मंडली के बाहर वाला सदस्य, यानी कि प्रियंका के टीम का सदस्य, यानी कि श्रुजिता। हालांकि सबने श्रुजिता को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन स्टिल श्रुजिता को कम वोट्स आए थे। और अब यही बात शालीन और प्रियंका करते नजर आए। शालीन ने प्रियंका को कहा, सखी देखा ना मंडली कितनी स्ट्रांग हो गई है, कुछ भी हो जाए मंडली के कोई भी नहीं जा रहा। जिस पर प्रियंका कहती है ये मंडली तो कुंडली मार कर बैठी है। प्रियंका भी अब परेशान हो चुकी है। प्रियंका ने भी लाख कोशिश की कि इस मंडली को तोड़ा जाए, इस मंडली में दरार लाई जाए, लेकिन मंडली का कोई भी सदस्य टस से मस नहीं हो रहा। हालांकि देखा जाए तो मंडली में कई ऐसे सदस्य हैं जो इनएक्टिव हैं, जिनको वाकई बिग बॉस के घर से बेघर हो जाना चाहिए था, लेकिन स्टिल आउट हुआ तो कौन? बिग बॉस के मंडली के बाहर के सदस्य। तो फाइनली इस मंडली का क्या तोड़ निकालेगी प्रियंका? प्रियंका फिलहाल हो गई है मंडली से काफी परेशान, तो क्या आने वाले समय में भी वाकई प्रियंका कोई ना कोई नए ट्रिक्स और टैक्टिक्स अपनाती रहेंगी इस मंडली को तोड़ने के लिए? हालांकि ये मंडली बिल्कुल अटूट बंधन की तरह बंधी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा प्रियंका का क्या होगा अगला कदम। आपको क्या लगता है हमें बताएं कमेंट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।